फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस देश के उपराष्ट्रपति कोरोना से संक्रमित हो गए हैं? ए कोलंबिया, बी अफ्रीका, सी बांग्लादेश या डी पाकिस्तान। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नवगछिया में रक्षक बना भक्षक, बेरहम पुलिस वालों ने एक युवक की ले ली जान। पुलिस जिला नवगछिया के बेपुर थाने की पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। मामूली सी बात को लेकर एक युवक पुलिस से जरा सा उलझ के आ गया, उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। मामला नवगछिया के मड़वा का है, जहां भागलपुर के बूढ़ानाथ निवासी आशुतोष कुमार की बीहपुर थानेदार एवं अन्य पुलिस कर्मियों ने बेरहमी से पिटाई कर उसकी जान ले ली है। वहीं इसी मामले में मृतक आशुतोष के भाई सूरज पाठक ने बताया कि आशुतोष कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह अपनी पत्नी और बच्ची के साथ नवरात्रि में पूजा पाठ करने के लिए पुस्तैनी घर आया हुआ था। इसी क्रम में बैरियर हटाने को लेकर एक स्थानीय युवक से उसका विवाद हो गया था। देखते ही देखते वहां पुलिस पहुंच गई, लेकिन दोनों को समझाने के बजाय थानेदार और अन्य पुलिसकर्मी ने आशुतोष को पीटना शुरू कर दिया। बेरहमी से पिटाई के बाद पुलिस वालों का जब इससे मन नहीं भरा तो उन्होंने आशुतोष को थाने में भी जाकर जमकर पीटा। इस दौरान आशुतोष लहूलुहान हो गया। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर घटना से आक्रोशित मृतक के परिजन और अन्य स्थानीय लोगों ने सब को मुख्य सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे परिजन आरोपी थानेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं खबर लिखे जाने तक नौगछिया एसपी स्वप्नाजी मिश्राम द्वारा बीपुर थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया था। वह आगे की कार्रवाई की जा रही है। भैया मेरा कल भाई यहाँ पे आया अपनी वाइफ के साथ, यहाँ मेरा घर है मड़वा, वो पूजा करने के लिए यहाँ पे आया। जब वापसी में जाने लगा तो एक इंसान से उसको थोड़ा बकझक हुआ। पुलिस प्रशासन इसको आके जबरदस्ती पकड़ के इससे बकझक करने लगा, ये भी थोड़ा बोला, लेकिन इस पे जो है अटैक कर दिया। कौन लोग? पुलिस तो एक थाना प्रभारी और चार, ये बीपुर थाना प्रभारी और चार सिपाही थे यहाँ के। वो लोग इतना मारे सर, इतना मारे, देखिए यहाँ से मारते हुए थाना ले गए और हाजत में इतना मारे कि वहाँ पे पूरा ब्लड फैला हुआ है। और रात इलाज के दौरान सर रात में इसका मौत हो गया। अभी आप लोग क्या कर रहे? कुछ नहीं, बस इंसाफ चाहिए सर। कौन देगा मेरा भाई का जान का बदला? अभी जो हम लोग का अभी इतना बड़ा चल गया, कौन देगा इसका भरपाई, कौन करेगा? आशुतोष कुमार इंजीनियर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, कोई चोर चिल्लर नहीं थे। अभी आप लोग क्या कर रहे हो? हम लोग कुछ नहीं, बस हम लोग यहाँ पे चाहते हैं, हम लोग को जो किया है ऐसा वो आ यहाँ पे हम लोग को इंसाफ दिलाए, जो भी है यहाँ पे उच्च अधिकारी हम लोग को बताए कि हम लोग क्या करें। हम लोग अब क्या करेंगे, इसको लेके कहाँ जाएंगे, क्या करेगी इसकी बीवी, कहाँ जाएगा इसका बच्चा, क्या करेंगे हम? शादीशुदा है, 1.5 साल की इसकी बच्ची है, एक बच्ची है, माता पिता नहीं है हम लोग के, बड़ा भाई। हम लोग भागलपुर के हैं सर, यहाँ पे मेरा पुश्तैनी घर है मड़वा, ये भागलपुर बूढ़ानाथ के पास मेरा अपना घर है जी। यहाँ पे आए थे मेरे भैया भाभी, पूजा यहाँ पे होता है घर में, बस वो अटेंड करने के लिए, वो भी एक दिन। मेरा नाम सूरज पाठक है। तारीख को दो बस, अब देख लें या ये लोग क्या करने के लिए तैयार है दादी। डिटेन को पिन को तो पलगा है लोग। हां ठीक है, इधर बस सस्पेंशन कानून पड़ा है, तुम उसको 10.5 साल जेल में रखो, तुम मार चोर मार देगा, क्या सोचा हूँ? रोड का आदमी है, मड़वा का बहन चोर 40 साल का पुराना आदमी है।
153 गोपालपुर विधानसभा सैदपुर दुर्गा मंदिर में एनडीए प्रत्याशी गोपाल मंडल ने किया माता का दर्शन। गोपालपुर विधानसभा के लगातार 3 बार से विधायक रहे व 4थी बार चुनावी मैदान में उतरे एनडीए के जदयू प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने सैदपुर के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में माता का दर्शन किया। वहीं मौके पर उनके सैकड़ों समर्थक एवं पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। 153 गोपालपुर विधानसभा राजपा के प्रत्याशी ने डिमहा पंचायत क्षेत्र के घर घर जाकर किया जनसंपर्क। नवगछिया राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबोदा ने गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के डिमहा पंचायत में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया है। इस अवसर पर संजीव कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को 15 वर्षों में पीछे ले जाने का काम किया है। जनता की चिंता छोड़कर उन्होंने हमेशा कुर्सी की चिंता की है। संजीव ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे बाढ़ और कटाव की समस्या का निदान, बांध व उसके ऊपर सड़क का निर्माण करवाने को लेकर प्रयासरत रहेंगे। मौके पर संजीव कुमार सिंह के साथ मनु गांधी झा, रंजीत सिंह राजाजी, ओम कुमार सिंह, गोविंद सांडिल, डॉक्टर आयुष कुमार, सौरभ कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया के भवानीपुर में 9 बजे आज तेजस्वी यादव करेंगे चुनावी सभा। बिहार विधानसभा क्षेत्र के 153 गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में रंगरा प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर स्थित उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय भवानीपुर टोला गुमटी संख्या 10 में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन प्रत्याशी शैलेश कुमार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उक्त जानकारी जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने दिया है। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। नवगछिया के सुप्रसिद्ध तेतरी मेला में उमड़ी भीड़ लेकिन दुकानदारों का रहा बुरा हाल। नवगछिया के सुप्रसिद्ध तेतरी मेला में दुकानदारों का बुरा हाल रहा। हालांकि मेले में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी लेकिन दुकानदारों का हालत खस्ता रहा। पूछे जाने पर दुकानदारों ने बताया कि कोरोना को लेकर जहां लोगों की कम भीड़ जमा हुई है वहीं लोग सामान खरीद कर खाने से भी परहेज कर रहे हैं। इस बाबत कई दुकानदारों ने अपनी व्यथा बताई। पूछे जाने पर मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि मंदिर कमेटी द्वारा सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार पूरे सख्ती से नियम का पालन कराया जा रहा है। हालांकि बढ़ती भीड़ में बहुत कम लोग ही मास्क पहनकर घूमते नजर आए। दें और बताएं कि क्या कैसी स्थिति है इस बार मेला की कोरोना को लेकर। जय माता दी, भारत माता की जय। कोरोना काल पूरे विश्व में फैला हुआ है फिर भी हमारे भारत की युवकगण कहते हैं दुर्गा सप्तती में लिखा हुआ है माता दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी माता शिवप्रिय तेरी शक्ति के अंश से उद्भूत हम भारत के युवकगण तेरे मंदिर में बैठे हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। आ हे माता हमारे भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो, हमारी सहायक हो। हर युवा यही कहते हैं, हर क्योंकि हर व्यक्ति कहता है हे माँ, तू हर इंसान की माँ है, तू हर मुरादों की मंजिल है। और सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, पुरुष भाइयों, सभी माता से यही प्रार्थना करते हैं, कटिबद्ध प्रार्थना करते हैं इस कोरोना काल से, इस कोरोना महामारी से जितना जल्दी हो सके, जितना जल्द से जल्द हो सके हमें निजात दिलाएं। पहले से और इस बार कुछ अंतर लग रहा है क्या कोरोना को लेकर? बिल्कुल अंतर हुआ है, लेकिन हमारी तेतरी वाली मैया के सजावट में कोई अंतर नहीं हुआ है। यह हमारा आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं हुआ है। यह सजावट जो है हर साल रहती है और इतनी भीड़ तो लगभग रहती ही है। और थोड़ा बहुत अंतर हुआ है,
जो कि पूजा में मेला में असर पड़ा है। घूमने के लिए मेला जो घूमने आ रहे हैं उससे कोई अपील करना चाहेंगे? मेला में जो आए हुए हैं उससे मेरा यही अपील है, दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा हुआ है कब से कोरोना को लेकर बीच में यह मेला का आयोजन है। यहीं पे आते हैं, ये मंदिर बहुत ही शक्तिशाली है और ये बीमारी तो आते ही जाते रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग आस्था के साथ यहीं पे आते हैं पूजा करने के लिए। आपको लगता है कि कोरोना का भी इलाज मैया के दरबार में ही है? हाँ है, इसीलिए तो सब छोड़ दिया गया है माता पे। नवगछिया के मुरली गांव में पोखर में डूबकर झालमुड़ी विक्रेता की गई जान। नवगछिया के रंगराज चौक प्रखंड के मुरली गांव में एक झालमुड़ी विक्रेता की जान पोखर के पानी में डूबने से हो गई। मृतक की पहचान मुरली गांव के निवासी 14 वर्षीय मिथिलेश कुमार के रूप में की गई है। मृतक जदयू नेता सह पूर्व मुखिया सुबोध शाह का चचेरा भाई है। रंगरा पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले के बाबत रंगरा थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। यह है कि मुरली से ही चला गया करीब 8 बजे दिन में मसूदनपुर बैसी दुर्गा स्थान में झालमुड़ी बेचने के लिए। अच्छा, झालमुड़ी बेच के घूरने के क्रम में उधर से रात्रि करीब 8 बज रहा था, 7:30-8 बज रहा था। उसके बाद रोड खराब रहने के कारण गड्ढों में इसकी चक्का चल गई और ठेला पलट गया, वो चल गए पानी में। पानी में चल गए तो यह अंदर चल गया बचवा और मिथिलेश कुमार, और उसके ऊपर ठेला चल गया जो कि ठेला अभी तक पानी में है। हाँ, उन लोगों में मतलब भैंस गाय का पूरा कतार था और रोड में जो है कि जगह नहीं है कच्ची। आप लोग को कैसे पता चला? पता चला वो हमको एगो रूपक कुमार जो है मीडिया सेल का, वो पार्टी का जदयू पार्टी का वो है संयोजक, वही उसी का गाँव वाला फोन किया बैसी वाला, और उसके बाद भवानी पर कुछ फोन किया कैसे से आपके गांव के घटना हो गया। तो तब हम लोग वहां से दौड़ के गए तो तब तक गांव बैसी के लोग, भवानीपुर के लोग, बैसी के लोग उसको निकाला था, निकाल के उसके बाद हॉस्पिटल लाया, लेकिन यहां आने के बाद वो मृत घोषित हो गया। यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि आप थाना से सब इसको ले जाइए, वहाँ से तब फिर यहाँ आइएगा। मृतक आपका कौन है? मृतक मेरा चचेरा भाई हुआ। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सुबोध कुमार शाह, पूर्व मुखिया और जदयू में अभी जिला उपाध्यक्ष। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079, 7549683888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043, 67170।